हेलो फ्रेंड्स, यू वेलकम ऑन माय चैनल इंडियन मॉम फॉरएवर। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं नेस्ले कोको क्रंच ब्रेकफास्ट सीरियल के बारे में। ये 500 ग्राम का पैक आता है 340 रुपये की एमआरपी के साथ, लेकिन मैंने इसको ऑनलाइन 306 रुपये में परचेस किया था। और अगर आप भी इसका ऑन डेट डिस्काउंटेड प्राइस जानना चाहते हैं तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बात करें इस पैक की पैकेजिंग की, तो इस तरीके का कार्डबोर्ड पैकेजिंग के अंदर आता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा इसके ऊपर डिज़ाइनिंग वगैरह की गई है। एक्चुअली ये सीरियल से बने हुए हैं और 4 तरीके के सीरियल इसके अंदर यूज़ किए गए हैं, जिसमें वीट, राइस, जवार और ओट्स का यूज़ किया गया है। और इनसे भी मिलता है कैल्शियम, आयरन, विटामिन्स और फाइबर। अब हम इसको ओपन करके देख लेते हैं। तो ओपन करने के लिए यहाँ पर एक सील इसमें दिया हुआ है। इसके अंदर कुछ इस तरीके से फॉइल पैक के अंदर इसके जो कोको क्रंच है वो इसके अंदर पैक हैं। अब हम इसको भी ओपन कर लेते हैं। इसको स्टोर करने के लिए ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल क्लीन और ड्राई कंटेनर का यूज़ करना है, और इनको ओपन करने के बाद 3 वीक्स के अंदर अंदर कंज्यूम करना रहता है। ये कोको क्रंच बाहर से बहुत क्रंची है और अंदर से उतने ही चॉकलेटी भी। अब हम इसको मिल्क में डाल करके टेस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने इस बाउल में मिल्क लिया है। कोको क्रंच को ठंडे दूध में डाला है और उसके साथ ये बहुत डिलीशियस लग रहे हैं। आप चाहें तो इसको वार्म मिल्क में भी ट्राई कर सकते हैं, और वार्म मिल्क में ये उसको और भी ज़्यादा चॉकलेटी बना देता है। मुझे तो ये कोको क्रंच बहुत अच्छे लगे, और इनका जो इतना क्रंची सा आउटसाइड है और अंदर की तरफ वो इतना सारा चॉकलेट इसमें है, काफ़ी अच्छा लगा। बस एक चीज़ जो इसकी है कि इसका शेल्फ लाइफ ओनली 3 वीक्स का है, तो वो छोटी सी एक प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप भी ट्राई करिएगा। और अगर आपने ट्राई किया हुआ है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलेगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।